आज दार्जिलिङ शहरमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड फेयर कार्यक्रम गत 18 फरवरीदेखि भानु भवन परिसरमा सम्पन्न भइरहेको छ, जसको उद्देश्य स्थानीय व्यापार व्यवसायलाई थप टेवा दिई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसलाई पहिचान दिलाउनु रहेको छ भने आज यस विषय सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड फेयर इन योर सिटीमा ग्राहकहरूको चाहना अनुरूप उक्त अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड फेयरको मियाद पूर्ण बढाइएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड फेयर इन योर सिटीमा दोकान लगाएको व्यापारी वर्ग अनि ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया पहलबारे यस प्रकार रहेको छ। देखा रहा है गुजराती का हैंडलूम जो है वहाँ पे देखा रहा है। जनाब आपके नाम? रंधीर गुजराती है जी। रंधीर गुजराती जनाब, यहाँ के आपका जो इस मेला पे आके आपको क्या रिस्पांस क्या मिला आपको? बहुत अच्छा मिला। आपको ये जो सामान है कौन कौन सी सामान लेके आए आप, एक बार दो एक सामान दिखाएंगे? बेडशीट लेके आए सर, डबल बेड जी, दीवान सेट लेके आए जी जी, सोफा कवर लेके आए जी जी, बैग लेके आए, कुशन कवर लेके आए। ये सब रेंज कितना रेंज के है सब? 450 स्टार्टिंग है सर कुशन कवर का। और ये जो सब बेडशीट है सब 2500 हैंडमेड है ना? हैंडमेड है सर। ये जो अपना नक्शी करा हुआ सब हाथ से करा हुआ हैंडमेड है। तो आप लोग गुजरात से यहाँ पे पहले बार आया है, तो रिस्पांस क्या है दार्जिलिंग में? बहुत बढ़िया है, मेला एक्सटेंड हो गया सुन रहे में आया, तो आपको क्या लग रहा है एक्सटेंड होने से आप लोग को बिक्री बट्टा और भी तरह एक्सटेंड होंगे? हाँ होगा सर, बढ़िया होगा बढ़िया होगा। आपका नाम क्या बता भैया? रंधीर गुजराती। धन्यवाद। कहाँ से आप? भागलपुर। भागलपुर बिहार, भागलपुर से। आपका ये जो पसरा है दुकान जो है कपड़ा, ये कौन से कपड़ा है? सब के कुछ खादी का कपड़ा है, हमारा हैंडलूम का फैब्रिक है। हैंडलूम टोटल हमारे घर पे बाप दादा बनाते थे सब दिन, और फिर हम लोग बेचते हैं। तो इस बार इस मेला पे दार्जिलिंग का इस मेला पे आप लोगों को क्या रिस्पांस मिला, कैसे सारा मिला? ठीक है, ठीक ही है, बढ़िया है। तो मेला कितना दिन थे? पब्लिक अच्छा है, यहाँ के पब्लिक अच्छा है। तो आप लोग को यहाँ पे देख रहे काफी रेंज का देख रहा है, कितना से कितना तक है आप लोग का कच्छ? ये हमारा मीटर से भी है और सूट साड़ी भी है। मीटर कितना से शुरू और कितना तक महंगा है? सबसे महंगा 500 रुपये तक आएगा महंगा, शुरू आएगा 150 रुपये से। 150 रुपये से। तो यहाँ का जो अपना कस्टमर से आप लोग को बस जो सामान लिया, तो आप लोग लगता है जो यहाँ पे आप लोग का ये हैंडलूम का जो इन फ्यूचर में आप लोग का शोरूम खोलने का इरादा दार्जिलिंग में? जी बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये जो अपना मेला जो एक्सटेंशन हो रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है? जेट सही है? सही है, सही है। बिक्री बट्टा का रिस्पांस ठीक है आपका? हाँ ठीक। दादा आपका नाम? मेरा नाम अमानुद्दीन खान है। कहाँ से आप लोग ये दुकान लेके आए? हम लोग कोलकाता से आए हैं सर। कोलकाता से। तो यहाँ का रिस्पांस क्या मिल रहा है? सर यहाँ का रिस्पांस ठीक है, आपको बहुत बढ़िया है, अच्छा रिस्पांस मिला हम लोग को यहाँ पे। बिफोर टाइम में आप लोग यहाँ पे ट्रेड फेयर में आया था कभी? हाँ, इससे पहले हम लोग आए थे 8-10 साल पहले, आप कैपिटल हॉल में आए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद अभी हम लोग 10 साल बाद कोविड के मारे हम लोग बैठा हुआ था घर में, दादा ने हम लोग को रिक्वेस्ट और दादा ने हम लोग को बुलाया, हम लोग बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे काम भी अच्छा है। आपका यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के लेदर का आइटम देख रहे हैं, जी जी जी, क्या रेंज का है आइटम सब? हमारे पास हर रेंज का आपको है, 200 रुपये से भी स्टार्टिंग है आपको, 250, 300, 400, 800, 1000, 1200, सब लेदर का मिलेगा आपको। प्योर लेदर का सामान लेंगे, प्योर 100% गारंटी के साथ। अगर लेदर नहीं होने से 50,000 को पार है हमारे कंपनी की तरफ से। बंगला में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा है, नेपाली में भी लिखा होगा, और लैंग्वेजेस में लिखा होगा। तो आप लोग को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? जी जी, अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे। कितना दिन का मेला संपन्न हुआ ये थे? ये आपको 25-26 डेज हो गया अभी। अच्छा, और एक्सटेंशन होगी? जी अभी और हफ्ता और एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन होने की वजह से आपको क्या लग रहा है, और भी हमें आशा और भी है कि सर और अच्छा होगा, और अच्छा प्रोग्राम होगा, ये और सक्सेसफुल होगा, मेगा सक्सेसफुल होगा, आपको सुपर हिट होगा। और मेरा नाम राहुल मंडल। कहाँ से आप? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से आप यहाँ पे दुकान लेके आए? नहीं, मैं यहाँ का मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो आप रिस्पांस क्या मिल रहा है आप लोग? रिस्पांस तो मोटा मोटी ठीक है, और अभी जो ये बल्बिक जो एक हफ्ता एक्सटेंड हुआ है जी, ये पब्लिक डिमांड के ऊपर, अभी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा कम हुआ है, तो इसके चलते कस्टमर का भी डिमांड है कि आप लोग अभी तो काम का सीजन है, बिजनेस का सीजन है, बिजनेस का टाइम है, तो आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। हम लोग आज ही लास्ट था, लेकिन पब्लिक डिमांड के ऊपर ये 1 वीक अभी एक हफ्ता जो है एक्सटेंड हो गया। तो ये एक्सटेंड होने की वजह से आपको क्या लग रहा है मंडल साहब, जो और भी अच्छा बिजनेस? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होप है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ऐसा होप है हम लोगों का, और मिलना भी चाहिए।
नमस्कार, मेरा नाम रिवाज मुखिया। दिवान मुखिया, रिवाज मुखिया, रिवाज मुखिया, रिवाज मुखिया जी, तपाई यो मेलाको अर्गनाइजर कमिटीको के हो? म यहाँको लोकल अर्गनाइजर, यो मेलाको अर्गनाइजर हुँ। अच्छा, अनि मेरो पार्टनरको त तपाईँले इन्टरभ्यू लिइहाल्नु भयो, राहुल मण्डल फ्रम कलकत्ता। हजुर, अनि हामीले यो इन्टरनेसनल ट्रेड फेयर जुन चाहिँ दार्जिलिङको भानुभवनमा अर्गनाइज सुरु गरेको थियौँ विगत 18 फेब्रुअरीदेखि। अनि 18 फेब्रुअरीदेखि सुरु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो पर्मिसन थियो तपाईँको 6 मार्चसम्म, त्यहाँदेखि फेरि हामीले पब्लिकको डिमान्डमा फेरि एउटा एक्सटेन्सन गराएर अनि हामीले 13 तारिकसम्मको एउटा एक्सटेन्सन लिएको थियौँ। तर अब जुन प्रकारको रेस्पोन्स पायो पब्लिकले, अझै भन्दैछ कि हामीलाई अरू चिजहरू पनि लिनु छ, अलिक टाइम दिनुहोस् भन्ने उयो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले उयो गरिकन डिपार्टमेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेर एउटा अझै हामीले 20 तारिकसम्म चाहिँ हामीले यो लास्ट एक्सटेन्सन गरेको छौँ। 20 तारिकदेखि उता चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन हुँदैन, यो चाहिँ लास्ट एक्सटेन्सन हो। मुखियाज्यू, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो ट्रेड फेयर दार्जिलिङमा इन्टरनेसनल ट्रेड फेयर तपाईँले नाम दिनुभयो, हजुर, यो ट्रेड फेयरको विगत समयमा विभिन्न ट्रेड फेयर पनि देखेँ हामीले दार्जिलिङमा, त्यसमा यसमाको रेस्पोन्सिबिलिटी वा रेस्पोन्स कतिको फरक देख्नुहुँदैछ? यसमा हामीले के देख्यौँ भने जस्ट हामीले फर्स्ट सुरु गर्दाखेरि हाम्रो खासमा 15 तारिकदेखिको डेट थियो, तर अलिकति पण्डालको काम डिले भएको कारणले गर्दा हाम्रो 18 तारिकदेखि सुरु भयो। अनि सुरु हुँदाखेरि के भयो भने त्यति बेला अलिकति इलेक्सन चलिरहेको थियो, त्यो भएर हाम्रो कम्ती अलिक कम्ती रेस्पोन्स थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ला चल्छ चल्दैन भन्ने लागेको थियो, तर जस्तो इलेक्सन खतम भयो, यो म्युनिसिपालिटी इलेक्सन खतम भयो, त्यहाँदेखि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पायो हामीले। जस्तै यो कहिले पनि नपाउने अफगानी ड्राई फ्रुटहरू, तपाईँको यो पाइन नट तिन गोजा भन्ने ड्राई फ्रुटहरू, तपाईँको आलमन्डको भेराइटी नै 7-8 प्रकारको छ, त्यस्तो ड्राई फ्रुट त तपाईँको तपाईँले देखिहाल्नु भयो, 50-60 भेराइटीको ड्राई फ्रुट छ। अनि हाम्रो यो फर्निचरहरू भयो, यो तपाईँको फर्निचर सारनपुर युपीबाट आएको, अनि यो तपाईँले कार्पेटहरू देख्नुभयो, कार्पेटहरूको एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ, यो काश्मिरी सल्सहरू भयो, अनि हाम्रो के अरे अरू पनि हाम्रो धेरैवटा उयो थियो, तर अब उनीहरूको चाहिँ अर्को जग्गा बुकिङ भएकोले एक दो एउटा चाहिँ गयो हाम्रो दोकानियाबाट, अरू सबैले राम्रो बिजनेस गर्दैछ। अनि एकजना बिमार भएर पनि ऊ एउटा चाहिँ गयो, तर अरूको चाहिँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ, यो फर्निचर एकदमै राम्रो जाँदैछ, कार्पेट राम्रो जाँदैछ, यो अफगानी ड्राई फ्रुट्स भयो, धेरै सामानहरू हाम्रो यहाँबाट राम्रो जाँदैछ।